आदरणीय मीडियाकर्मी और न्यूज चैनल वाले सभी मेरे भाई और बहन, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी इस न्यूज हमारी इस न्यूज को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी तक पहुंचा देवे। मैं सुमित्रा सेन 2016 NHM में सेलेक्टेड हूँ और 4 साल बहुत लंबे इंतज़ार करने के बाद में हमें ये ज्वाइनिंग मिली है। उसके बाद हमारी तनख्वाह मात्र 7,900 रुपये हैं, जो हमको वो 12% कट के 6,952 रुपये मिलते हैं। और इस तनख्वाह में घर खर्च चलाना आप बता सकते हो कि कितना मुश्किल होता है। और मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी इस आवाज़ को आप रघु चिकित्सा मंत्री तक पहुँचाएँ और मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएँ, ताकि हमारी सैलरी अच्छी हो सके। और इधर मैं अपने घर से 150 किलोमीटर दूर पोस्टेड हूँ और इधर से कोरोना में ड्यूटी लगाई हुई है, और उधर घर पे आर्थिक स्थिति की वजह से पूरा घर मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब आप बताओ कि मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड की एक सैलून की दुकान है, वो भी बंद हो गई है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जिसकी वजह से उनका भी काम धंधा ठप है। और 6,952 रुपये में आप बताओ कि क्या हो सकता है। और पूरे अदर स्टेट के अंदर हर जगह NHM की सैलरी 20,000 से ऊपर है, और यूट्यूबी वाले अर्जेंट बेस टेम्परेरी बेसिस वाले जो कि परसेंटेज बेस पे सेलेक्ट होके आए हैं, उनकी भी सैलरी आज 26,500 है। तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हमारी मात्र 7,900 रुपये हमें सैलरी दी जा रही है। एक मजदूर होता है, वो भी महीने के 15,000 कमाता है। एक तो गवर्नमेंट की सील और लगी हुई है कि ये गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो हमें कोई भी सुख सुविधा भी नहीं मिल रही है। और ऊपर से 6,952 रुपये में घर खर्च चलाना आप बता सकते हो खुद ही कि आप कैसे चलाते होंगे। और मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो हैं मेरे इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ और वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ जहाँ मंत्री जो भी मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री हैं और अपने मुख्यमंत्री हैं, उनको बोले कि भाई हमारी भी सैलरी जो है 26,500 की जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप हमारी सैलरी हमको 6,952 रुपये ही मिल रहे हैं। हम लोग कोरोना में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और उनके साथ बराबर खड़े हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर मात्र 7,900 रुपये में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमको भी इतना तो कम से कम मानदेय दिलाएं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, हमारे परिवार का पालन पोषण ढंग से हो सके। सरकार ये ध्यान रखें, हमारे भी परिवार का ध्यान रखें कि हमारे परिवार का पालन पोषण अभी कितनी मुश्किल में पड़ा हुआ है, उन और हमारे साथ में हमारे पूरे परिवार को भी कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। और हमारी घर में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हम गले तक आए हुए हैं सारे NHM कर्मी। हम इससे आगे मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ।